ठंड बहुत है, मुंह धोना है, कुएं से पानी निकालना पड़ेगा। अब पता है इस कुएं से कौन पानी निकालता था? बताता हूँ अभी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर ये कौन है आपको पता है? काशीराम जी हैं, उनके दादाजी हैं, उनके पिताजी हैं, और ये उनके चाचा जी हैं, और ये उनके ताऊ जी हैं, और आज हम उन्हीं के घर पर हैं। और हमारे पीछे जो हैं ये उनके भतीजे हैं, हरविंदर जी। आज हम रात को इन्हीं के साथ यहाँ उनके घर पर रुके हुए थे। मायावती जी जो हैं, उनसे आपके कैसे संबंध हैं? ये तस्वीर है मायावती जी की, जो बहुत रेयर है। स्वास्थ्य जो था थोड़ा डाउन हो गया था 2003 की है। इसमें मायावती जी के साथ ये आपकी दादी जी खड़ी हैं? दादी जी है, ये बुआ जी, काशीराम जी की माता जी। माता जी भी हैं। हाँ, ये मेरी बहन है, ये बुआ की लड़की, इसकी जो है बेटी है, और ये भी मेरी बहन है, ये मेरी माता है। ये आपकी माता जी है। और ये बहन जी, ये कहाँ की फोटो है? ये कुल्लू मनाली की है। कुल्लू मनाली की। तो आप सब पूरा परिवार वहाँ पर गया था जी? गए थे। मैं जी ने खुद बोला था इनको कि मैं आपको साथ में लेकर जाना चाहती हूँ, आपको चलना पड़ेगा साथ में। ये 2002 का है, और इसमें यहाँ पीछे खड़े हुए हैं हरविंदर जी। ये पूरा घर है, और अभी मैंने जैसे दिखाया था ये कुआ, यहाँ मैं खड़ा हुआ था पानी के लिए। तो ये जो है साहब काशीराम जी जो हैं, वो यहाँ पर आकर पानी के लिए इस्तेमाल करते थे। ये सबसे पुराना कुआ है उनका, और यहाँ पर ही उससे पहले घर भी नहीं बने थे। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक झंडा सा लगा है। आपको याद होगा कि पिक्चर में, काशीराम जी की पिक्चर में एक सीन था जिसमें कमरे के अंदर पढ़ाई करते हैं, वहाँ से बार बार जो है ट्रेन निकलती रहती है, उसकी आवाज़ आती है। वो ये कमरा था, अगर उस साइड गए तो वो भी दिखाएंगे आपको। और एक गजब की बात पता चली है कि काशीराम जी जब यहाँ पढ़ते थे, और जब उन्हें पार्टी बनाने के बारे में सोचा, तो वो यहाँ से 10 साल के लिए गायब हो गए थे। और उनके घर वालों को ये पता ही नहीं था कि वो जिंदा भी हैं कि मर गए। और 10 साल बाद उनकी माताजी को ये बात पता चली कि वो जिंदा हैं और एक कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं। तब वो पिक्चर में एक सीन दिखाया गया जिसमें वो आते हैं, उनकी माताजी स्टेज में पहुँचती हैं सीधा, और वो मना कर देते हैं उनको कि मैंने अपने परिवार से संबंध ख़त्म कर लिया है अपने समाज के लिए। अरे माँ। अरे कशिया, तू हमें बिल्कुल ही भूल गया, तुम्हें हमारी याद नहीं आती? तुम्हारे बापू की क्या दशा हो गई है? तुम्हारी बहन तुम्हें याद करके कितना रोती है, तुम्हारे भाई भी तुम्हें कितना याद करते हैं। तू इतना पत्थर दिल कैसे हो गया? माँ, मैं किसी को नहीं बोला। तेरा जब भी मुझसे मिलने का दिल चाहे तू रैलियों में आ सकती है, और भाई बहनों को भी लेके आ। वो भी तो जाने आखिर उनका भाई किस मुहिम पे है, अपने समाज के लिए क्या कर रहा है। मैं तो चाहूंगा वो लोग हमारा साथ दे माँ। पर माँ, मेरी माँ, मैं बिल्कुल भी पत्थर दिल नहीं हुआ, मुझे आप सबकी याद आती है। अब यही समाज मेरा घर है, तेरे बेटे ने इनके लिए अपने आप को निछावर कर दिया है। अपने बेटे को समझ माँ, इस कुर्बानी के लिए तू उसे कमजोर ना बना। मेरी माँ, रब तेने सलामत रखे बेटा। आ गया वो, आ गया ग्रेट लीडर कांशीराम। मैं आपको वही दिखा रहा हूँ जो उनका पूरा फैमिली का, अभी तो लोगों ने अपना घर बना लिए, पहले खुला होता था, वैसे कहाँ कहाँ घूमते थे वो, ये सब चीज़ें आपको दिखा दूँगा जी। टोटल मिला के 3 भाई थे काशीराम जी,
और ये दूसरे भाई का घर है। हाँ जी, दूसरे भाई का, हरवंश जी का। हरवंश जी का। हाँ, हरवंश जी का। तो जहाँ तो बहन जी भी आती रही थी। ये वो कमरा है जिसमें काशीराम जी पढ़ाई करते हैं। अर्जुन भी आया था। हाँ जी। पिक्चर बनाने की जो कर रहे थे जब वो। हाँ जी। तो यहीं से उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से क्या होता था। और यहाँ से ट्रेन की आवाज आती थी। यहाँ से ना सीधी यहाँ से ट्रेन जाती है। अब तो अपना चुबारा वगैरह आ गया। यहाँ चुबारे से साइड जो दूसरी साइड ना ट्रेन निकलती है। यहाँ साहब के घर में घड़ी ना होने के कारण वो ट्रेन की आवाज सुनकर 5 बजे पढ़ाई करने उठ जाते थे। गजब की यादें। मतलब यहाँ कोई सोचा नहीं था कि इस जगह तक कभी मैं आऊँगा इतनी दूर से। और यहाँ आके वो सब चीज़ देखने को मिल रही हैं जो पिक्चर में बताई गई थी काशीराम जी की। जॉब करते थे और इसमें बड़ी अच्छी बैंड थी जमाने की। मतलब टाइम हो गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, उसी जमाने की थी। यहाँ पुरानी है। तो जब पुणे में जॉब करते थे। हाँ जी, तब लेकर रहे थे घर को। लकड़ी की लकड़ी की ऊपर लगा दी हमने। साहब ने कहा जी मेरा देखो मायावती, देखो जी मेरा हवा महल है। ये हवा महल है। हाँ जी। अच्छा, चारों तरफ से खुला हुआ है। हाँ जी, इतनी खिड़कियाँ हैं, इतने दरवाजे हैं। ये जो कमरा, यहाँ मायावती जी भी आई थी। हाँ, यहाँ पे तो और काशीराम जी के साथ आई थी। उनको अपना गांव दिखाने आए थे, उस समय की बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को तो याद है जब ना बहन जी इलेक्शन लड़ रही थी अपना होशियारपुर से। तो उस समय हमें पोस्टर वगैरह सर साहब भी लेकर आए थे। छोटे कटिंग फोटो होते हैं जो ऐसे उसके साथ चिपकते हैं दीवार के साथ। अच्छा अच्छा। तो वो थे एक दो। तो मैं हमने पूछ लिया कि सर जी ये कौन है। बोला इसको मैंने तैयार किया है, ये यूपी की है। अच्छा, मायावती जी के बारे में बोल रहे थे। हाँ, हमें बता रहे थे कि भाई अब होशियारपुर से इसको इलेक्शन लड़ा रहा हूँ मैं। उस समय तो बहन जी साथ में आ गई थी हमारी। तो उस समय ये वाला घर बना हुआ था। ये बना हुआ था। ये ऊपर छत नहीं थी। हरवंत सिंह जी जो काशीराम साहब के मतलब उनसे छोटे थे और जो छोटे वाले हैं उनसे बड़े थे, बीच वाले भाई हैं। तो ये पूरा जो एरिया है ये साहब काशीराम जी का ही था। यहीं पे थे। परिवार वालों ने अपना अलग अलग घर बना लिया। अलग अलग बन गए जी अब। लेकिन ये पहले सब एक एक हुआ करता था। देखिए यहाँ की हालत देखिए। मतलब ये वैसी ही है जैसी गलियाँ होती हैं। और ये जो घर अभी घुसे हैं ये बड़े भाई का घर है। उनके 139 नंबर है। स्किल इंडिया। और हम लोग रात को भी यहाँ आए थे। ये काशीराम जी का घर है। हाँ, और मैं आपको दिखाऊंगा एक खास चीज यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये टंकी कब बनी है? अभी ये तो ऐसी बनाई है ना, बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह बना दिया है। हाँ जी, चिन्ह बना दिया। चलो अच्छी बात है, दरबार में होना चाहिए ऐसा काम। दलवारा जी, दलवारा जी का जो सबसे छोटे है जी। हाँ। और एक घर फिर आपका घर। हरवंश सिंह जी का। हरवंश साहब काशीराम जी और हरवंश सिंह जी और दलवारा सिंह जी, तीन भाई सिंह जी। तो दलवारा जी हमारे साथ हैं। ये टंकी आपने कब बनाई थी? 98 या 99 में बनाई। आज मैंने भी उनसे ब्लॉगिंग करने का एक जो एक्सपीरियंस है वो लिया है। अंजुल भाई कैसा लगा यहाँ पर और खासकर इस हाथी को देखकर? आके दिल खुश हो गया था जो था। यहाँ आके गाड़ी रुकती थी और यहाँ से उनकी गाड़ी अंदर चली जाती थी। आप जो हैं ये बाइक से जाएंगे क्या? हाँ, बस से। हाँ, बस से जाएंगे।
काशी राम जी के भाई। चाय पिएगा? चाय पी ली हमने, चाय पी ली सुबह ही पी ली थी। यहाँ एक बैठक है जहाँ पर काशी राम जी आके बैठा करते थे, और वहाँ हमें भी मौका मिला बैठ के। रात को हमने यहीं पर खाना खाया था। और ये देखिए सारे फोटोज लगे हुए हैं मायावती जी के, काशी राम जी के। यहाँ पर काशी राम जी यहीं आकर बैठते थे। हाँ, यहीं पे ही, हाँ, सामने बीच में बैठ जाते थे। तो हमारे जाने का टाइम हो गया है, और मैं एक चीज़ खास बताना चाह रहा था जो मुझे अभी बताई थी हरविंदर जी ने, कि काशीराम जी के परिवार मायावती जी के बीच में जो मतभेद हुआ था वो एक अंधविश्वास को लेके हुआ था। जो माता जी है, माता जी को बोला था किसी ने कि चलो कोई बात नहीं, एक काशीराम जी की जब तबीयत खराब हो गई थी उनकी, चलो ठीक हो जाएंगी, तो वो भी अपने हिसाब से उनको बेचारी को लेकर गई। लेकिन वही बात किसी ने बहन जी को बोल दी कि वो मतलब एक तांत्रिक वगैरह थे, उनने कुछ दिया था कि उनको साहब के जो जीप पर वो रख देंगे तो उनकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाएंगे। तो मायावती जी ने वो करने नहीं दिए, क्योंकि वो उस समय बहुत क्रिटिकल केस में थे और वो उससे कुछ भी हो सकता था। तो ये मुद्दा यहाँ से स्टार्ट हुआ जो इतना बड़ा हो गया बिना वजह के, और लोगों ने फिर उसको भड़काना स्टार्ट किया और वो इतना बड़ा मुद्दा हो गया। क्या नाम रखा इसका आपने? हरमनप्रीत कौर जी। हरमनप्रीत कौर जी, तो ये नई जनरेशन है काशीराम जी की। कितने महीने की है ये? 9 महीने की। 9 महीने की, सर संभालने लग गई है। सोच रहे कौन आ गया। कौन आ गया? टाटा, बाय बाय। गेट तो बनना चाहिए था यहाँ। जो क्रॉसिंग है वो साहब के घर से पास थी, और ये इसी की ट्रेन की आवाज़ उनके घर तक आती थी। ट्रेन की जगह तो इंजन ही निकला सिर्फ। हाँ, कोई दिक्कत, आवाज़ नहीं बोलता है, वो इंजन ही बजाता है। तो ये एंट्री है, ये गांव की एंट्री है ये रोड, और यहाँ पर कोई वो गेट भी नहीं है ना। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार गौतम। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, और मतलब यहाँ ये सामान बेचने के लिए आए हैं आप आज के प्रोग्राम के लिए? हाँ जी। बिहार से हैं आप? नहीं, लुधियाने से। आप लुधियाना? हाँ, लुधियाना जिले डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी है आप? हाँ जी। और आप बिहार के ही हैं? वैसे मैंने आपसे फ़ोन पे पहले बात भी की थी, एक बड़ी बड़ी प्रोडक्ट को या भी जो प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। अच्छा, आपने बोला था कि उस पर जाके चैनल पर जाके देख लो नीचे। लगा कि हमने रात को रुक के सही किया, बहुत अच्छा। एक मिनट, मैं भी अभी लूंगा यार, हैंड वॉश कर लो भैया। देखो डिटॉल का हमारे पास सैनिटाइजर है जो अब मिलता ही नहीं है। मतलब हम अभी काफी हो गया है ये। हम अभी काफी अमीर हैं, और आज मतलब काफी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, और हमें इसकी जानकारी नहीं थी। हम तो सिर्फ काशीराम जी के घर देखने आए थे, और ये प्रोग्राम का भी थोड़ा बहुत दिखाया मैंने। यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट वाले आए थे, बहुजन प्रोडक्ट वाले थे, जैवी प्रोडक्ट वाले थे, उनका नंबर भी मैं डाल दूंगा। लुधियाना के थे, हमारे सब्सक्राइबर भी थे, सबसे बड़ी बात। तो अच्छा, एक बात मैं भी बोलूं। हाँ जी। अगर आप मुझ पर आरोप न लगाएं किसी चीज़ का कि मैं किसी का पक्ष धरूं, अक्सर ये आरोप लगते हैं बीएसपी के ऊपर कि बीएसपी यूथ को जिम्मेदारी नहीं देती। लेकिन हमने जो यहाँ की बीवीएफ टीम देखी, बहुजन वॉलंटियर फोर्स, जो कि बीएसपी का ही एक पार्ट है,
उसमें ज्यादातर 18 से 25 साल के युवाओं को जिम्मेदारी दी गई थी और वो नजर भी आ रहे थे लोग उनसे हमारी बात में तो युवा ही दिखते हैं युवा ही दिख नहीं लेकिन कई बार ऐसा ये भी आरोप लगते हैं ना कि बीएसपी में नहीं मिलती जिम्मेदारी से ज्यादा मजबूत बताई जाती है बीएसपी वहाँ ऐसे आरोप लगते हैं और वहाँ के छुटमुइया कुछ नेता जो है मेरी बात सुनिए पॉलिटिक्स है ये और जब किसी दूसरे पॉलिटिक्स को आगे आना है तो वो आरोप लगाएगा तो हमें दूर करने ना और पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें आपको चालबाजी छल कपट ये सब करनी पड़ती है बिल्कुल मतलब अगर आप किसी को हराना चाहते हो तो आपको अपनी चालें छुपा के रखनी पड़ेंगी ताकि उसको समझ ना आए ताकि आप निकल सके तो ये सब होता रहता है पॉलिटिक्स में इसको माइंड मत करो आप नहीं माइंड नहीं मैं तो आप जिसके साथ हो जिसकी विचारधारा के साथ हो उनका साथ रहो बात करो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं आपको एक चीज और बता दूं कि रोपड़ बोला जाता है विकिपीडिया में भी रोपड़ दिखाया जाता है लेकिन रोपड़ से 3 किलोमीटर और आगे आना पड़ेगा ख्वासीपुरा ख्वासपुरा बहुत अजीब सा नाम है यहाँ पे मैं इसकी लिंक डाल दूंगा आप देख लेना और मतलब नाम लिख दूंगा यहाँ पे एक बोर्ड है वो दिखाता हूँ मैं आपको हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष ही जिसका नारा है बहुजन नायक बहुजनों को जान से भी प्यारा है अपनी धुन का मन मौजी और सिंगों सीधा हाड़ है चट्टान इरादे हैं उसके और सीना भी फौलाद है स्वाभिमान का पक्का वो कभी नहीं झुकता होने लगती वहां समाए कदम यहां पे रुकता लाख मुसीबत आई पर ईमान नहीं डोला है बहुजनों के हक की खातिर खुल के जो बोला है आ गया वो आ गया ग्रेट लीडर कांशीराम।